हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट 2023 के लिए। सीटेट में जो पेपर होता है एसएसटी का, उसमें कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और उसके बाद है बिहार शिक्षक भर्ती जिसमें कि जियोग्राफी में ये टॉपिक पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने सौर मंडल का पार्ट वन है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है, आज हम बात करेंगे सौर मंडल के पार्ट टू के बारे में। तो पार्ट टू में सबसे पहले बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में, यानी कि जो बौने ग्रह होते हैं वो किसे कहते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो जो बौना ग्रह है उसकी श्रेणी में रखा गया है यम ग्रह को, यानी कि जिसे बोला जाता है प्लूटो। तो जो प्लूटो ग्रह है ये अगस्त 2006 के IAU के प्राक सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। यानी कि जो हमारा प्लूटो ग्रह है उसको जो 2006 में प्राक सम्मेलन हुआ था उसमें ये जो अपने ग्रह होते हैं वो उनकी एक श्रेणी, एक उनका नियम होता है उसके मापदंड पर, यानी कि जो ग्रहों के मापदंड होते हैं कि कौन से ग्रह की कितनी घूर्णन गति होगी, वो किस जगह से किस जगह तक घूमेगा, इन सभी मापदंडों पर खरे न उतरने के कारण जो हमारा प्लूटो ग्रह है इस ग्रह को जो ग्रहों की श्रेणी है उससे हटा दिया गया था। इसका कारण क्या था? जो यम ग्रह है यानी कि जो प्लूटो ग्रह है इसको ग्रहों की श्रेणी से जब हटा दिया गया था तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था इसका आकार में छोटा होना, यानी कि जो हमारा प्लूटो ग्रह है वो अन्य ग्रहों की तुलना में आकार में छोटा था। और उसके बाद है इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, यानी कि जो ग्रहों की जो कक्षा होती है, जो ग्रहों की ध्रुवीय प्रक्रिया होती है उसका वृत्ताकार नहीं होना, इसका एक ग्रहों की श्रेणी से हटने का एक मुख्य कारण था। उसके बाद है वरुण की कक्षा को काटना, यानी कि जो प्लूटो ग्रह है ये जो वरुण की कक्षा थी उसको कट कर रहा था, इसी कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया।